बिजनेसमैन को जिस इंसान को या
Next 38 voucher. Very important topic for the business. Voucher is a written document of business transaction. जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिटर्न फॉर्म में लेना कंपलसरी, तभी हम उसके एंट्री अकाउंट में कर सकते हैं. सो व्हाट एवर द ट्रांजेक्शन आर डन इन द रिटर्न फॉर्म इज ट्रीटेड एज ए वाउचर. वाउचर इज अ वन टाइप ऑफ एविडेंस ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस इस समय इस इंसान के साथ इतनी अमाउंट का इस तरीके को किया गया था. इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर ऑल्सो. 39 डिस्काउंट. The amount which is deducted from the total amount is known as discount. ये बड़ा प्रिय शब्द होता है. हर एक कस्टमर्स ऑलवेज डिमांड सम डिस्काउंट फ्रॉम द ट्रेडर कि मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा, 2%, 5%, 10%. सो वॉट एवर द अमाउंट गिवन एज ए डिस्काउंट टू द कस्टमर मीन्स जितने पैसे तुम्हें कम देने पड़ते योर टोटल अमाउंट में उसे कहते हैं डिस्काउंट. डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं. One is the trade discount, that is short form TD, and one is the cash discount, that is called CD. Trade discount, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, उसे कहते हैं trade discount. Big traders give to the small traders. And cash discount is given by the trader to their customers to make them cash fast from the customers. वो पैसे जल्दी देते हैं, इसके हिसाब से उसको cash discount दिया जाता है. Now discuss 40. Discount received and discount allowed. Discount received means whatever the goods you sold and whatever the part of discount you get from the outsider is called discount received. And discount allowed, whatever the discount given by you on the sale of your products or goods or service is known as the discount allowed. Discount दो प्रकार के होते हैं, या तो हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं. जो डिस्काउंट हमें मिलता है इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम फॉर यू. द व्हाट आर डिस्काउंट गिवन बाय यू इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर यू. बी केयरफुल फॉर दैट. नेक्स्ट 41 डेप्रिसिएशन इज आल्सो मेन टर्म फॉर द अकाउंटिंग. अमाउंट व्हिच इज रिड्यूस्ड एवरी ईयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. जो भी हम बिजनेस में एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं लगातार उसकी वैल्यू हर ईयर कम होती जाती है. So whatever the amount of reductions in the assets is known as depreciation. Depreciation is one type of direct expense. So it is treated as an expense in the business every year. Depreciation क्या होता है कि property या assets की value हर साल लगातार उसको कम करता जाता है. 42 bad debts. When any amount is not payable from the customer due to any reason, such amount is treated as a bad debt. जो माल हमने क्रेडिट पे किसी को बेचा है, and that customer is now not in position to return the amount, whatever the for the goods or service we have sold them. जो amount उससे नहीं मिल पाती है, due to any reasons, that amount is treated as a bad debt. Bad debt is one type of loss for the company. So company has to make always provisions for the bad debt recovered. ऐसे कई तरह की जो होती है उसका provisions company में हर वक्त करना ही पड़ता है. 43 solvent. A person who pays his financial obligations regularly is known as solvent. जिस इंसान से मैं पैसे ले रहे हैं या जिस इंसान ने किसी से माल लिया है और वो अपना पेमेंट रेगुलरली उसे कर रहा है टाइम पे, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. साउंड पर्सन, उसकी इमेज गुडविल मार्केट में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ही इज वेरी रिलायबल पर्सन टू गिव और रिसीव द गुड्स एंड मनी बिकॉज हमने जो माल भेजा है वो टाइम पे पेमेंट दे रहा है. तो ही इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. And insolvent, opposite of this, when a person cannot pay his obligations regularly, it is known as insolvent. जिस इंसान को हमने माल या सर्विस बेचा है और वो समय सर में पैसे नहीं दे पा रहा या नहीं देगा ऐसा उसने बोल दिया due to any reasons, at that time it is called an insolvent. One thing more for that, unless the person is declared insolvent by the court, he cannot be treated as insolvent. जहां तक कोर्ट ऐसा नहीं बोलती है कि ये इंसान इंसॉल्वेंट है,
वहां तक हम उसे इंस्टॉलमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते। कोर्ट को कहना कंपलसरी है। जब कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि दैट फर्म और दैट पर्सन इज इंस्टॉलमेंट, देन वी नीड इट इज कॉल्ड ए इंस्टॉलमेंट। सो 44 वन व्हाट टर्म्स आर देयर, बट आई वांट टू डिस्कस इन दैट। सो देयर आर मेन 44 टर्म्स इन द अकाउंटिंग व्हिच वी हैव फिनिश्ड हियर, अकाउंटिंग इन इट्स टर्मिनोलॉजी। ओके okay?